नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। राज्य में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, तो इसके साथ ही सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। विपक्ष के द्वारा चुनाव नहीं कराने की अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो वहीं चुनाव आयोग ने बिहार में 29 नवंबर से पहले चुनाव खत्म करने की बात कही है, लेकिन चुनाव शुरू करने की तिथि की अभी तक कोई आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। चुनाव कोई सा भी हो, लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, भागलपुर हमेशा से चर्चा में रहता है और इस बार भी विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर चर्चा में बना हुआ है। और आज हमारे साथ इसी चर्चा पर बातचीत करने के लिए भागलपुर के डॉक्टर प्रवीण कुमार झा हैं और कांग्रेस नेता भी हैं और पिछले कई सालों से ये राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर, हमेशा से भागलपुर में जैसे ही चुनाव की चहल पहल तेज होती है तो यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे जो हैं सर उभर कर सामने आते हैं, और खासकर देखा जाए तो इस बार कुछ ज़्यादा ही मुद्दे सामने आए हैं। सर, तो क्या लगता है इस बार जो मुद्दे रहेंगे उस पर काम होगा या फिर ऐसे हवा हवाई बातें हो रहेगी? देखिए, मुझे लगता है केंद्र सरकार से लेकर के बिहार सरकार तक ये ठीक चुनाव से पहले इस तरह के जो भी मुद्दे हैं इनको उठाना और लगातार कई योजनाओं का शिलान्यास करना, तो यह जनता को, यहाँ की जनता को भी यह चीज पता है कि चुनाव के समय में इस तरह की घोषणाएं सरकार करती है। अब रही बात काम की, तो भागलपुर, विशेषकर मैं भागलपुर के बारे में कहना चाहूंगा कि भागलपुर में चुनाव के समय जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, अभी दो दिन पहले हमने देखा हवाई अड्डा, हवाई जहाज उड़ाने का मुद्दा है। अभी दो दिन पहले माननीय अरजीत शाश्वत चौबे जी, माननीय हमारे अश्विनी चौबे जी, केंद्रीय मंत्री के पुत्र, उन्होंने उठाया और वो पिछली बार विधानसभा प्रत्याशी भी रहे भाजपा की तरफ से। तो ये चुनाव से पहले क्यों उठाया आप 5 साल तक क्या करते रहे? हमारे पार्टी के विधायक हैं, ठीक है। हम लोग जब गठबंधन की सरकार थी तो गठबंधन के सरकार में हमारे माननीय विधायक जी ने गठबंधन दो साल का चला था, जिसमें कि कांग्रेस, राजद और जदयू तीनों की गठबंधन सरकार चल रही थी। तो मुख्य रूप से इस समस्या को उठाने का काम हमारे माननीय विधायक अजीत शर्मा जी ने विधानसभा में भी किया था। सर, इस बार खासकर देखा जाए तो एक हवाई अड्डा ही नहीं बल्कि बहुत सारे मुद्दे हैं, और खासकर अगर देखा जाए तो महागठबंधन को लेकर प्रत्याशियों में होड़ नहीं लगी हुई है, लेकिन इधर देखा जाए तो एनडीए में जो है काफ़ी होड़ लगी हुई है, और अभी इस चीज़ का जो है प्रत्यक्ष रूप से ये बात सामने नहीं है कि यहाँ से कौन प्रत्याशी होंगे। हालांकि पिछली बार अरजीत शाश्वत चौबे जी रहे थे और उनको वो जो है उनके जो नेता थे विजय शाह जी, वो बगावत करने के बाद, पार्टी से बगावत करने के बाद कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर वो पार्टी से बगावत नहीं करते तो अरजीत शाश्वत चौबे जी की जीत होती। तो कहीं ना कहीं इस बार जो अरजीत शाश्वत जी मुद्दा उठाए हुए हैं, हालांकि हवाई जहाज का मुद्दा जो है आज ट्रायल होना था और वो ट्रायल नहीं हो पाया है, तो मुद्दा तो वो सर उठा रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समस्या है। देखिए, बीजेपी की सरकार थी, माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी लगभग 23 साल विधायक रहे, मंत्री रहे, नगर विकास मंत्री रहे। तो मुझे याद है इसके पहले एक बार शहनवाज जी ने की थी, तो माननीय मंत्री अश्विनी कुमार उस समय इसका विरोध किया था कि वहां पर आसपास के हवाई अड्डा के जो चार दीवारी के आसपास जो भी झोपड़ी थी उसको हटाने की जब बात हुई तो इन्होंने ही विरोध किया था, ठीक है। तो मैं उस समय शहनवाज जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने एक प्रयास किया था अपने सांसद रहते, और अश्विनी चौबे जी ने ही उस समय विरोध किया था। और आज ये मुद्दा कोई आज का मुद्दा तो नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है, और हवाई जहाज यहाँ पहले भी उड़ा करता था, लेकिन अरजीत शाश्वत जी आज ही इस मुद्दे को क्यों उठाए? उनके पिता कई सालों तक विधायक रहे, मंत्री रहे, उस समय उन्होंने इसके बारे में क्यों नहीं पहल की? वो सरकार में थे, बीजेपी की सरकार भी रही, तो आज उठाने की क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए अब चुनाव है,
विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे विधायक अजीत शर्मा जी का कार्यकाल 7 साल का है। हवाई अड्डा हो, भोलानाथ फ्लाईओवर हो, मुझे आश्चर्य लगता है कि हम 2 ही साल गठबंधन में सरकार में रहे, लेकिन विधायक जी ने उसको विधानसभा में भी उठाया, भोलानाथ फ्लाईओवर का मुद्दा नहीं हो सका। बहुत सारी कमियां रही, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उन्होंने प्रयास किया। लेकिन माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी इतने वर्षों तक यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे, एक छोटा सा फ्लाई ओवर नहीं बनवा सके भोलानाथ पुल पर। आज हमारी वहाँ की जनता, महिलाएं, बच्चे, स्कूल आने जाने में उनको तकलीफ होती है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो इतना गर्दन तक पानी रहता वहाँ, उसमें डूब करके रिक्शा से निकलते हैं, जाते हैं। तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनको यह विचार करना चाहिए कि यहाँ पर अभी तक यह क्यों नहीं बन पाया, या सरकार को आपने अवगत कराया तो इसका निर्माण कार्य क्यों नहीं शुरू हो पाया। यह सोचनीय विषय है और इसके लिए हम लोग भी चिंतित रहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी अगली बार अगर आती है यहाँ जीत करके तो इस समस्या का समाधान होगा। ये सर, जिस तरह से आपने कहा कि ये अगर पार्टी जीत कर आती है तो फिर ये समस्या का समाधान होगा, इससे पिछली बार जो है अजीत शर्मा जी भी बोले थे कि अगर हमारी पार्टी जीतती है, अगर मैं यहाँ से जीतता हूँ तो ये समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। मैंने कहा ना, 2 साल का कार्यकाल ही रहा जो हम लोग सरकार में रहे, तो इन्होंने प्रयास किया। और मुझे लगता है कि रेलवे विभाग से चूंकि एक NOC लेना पड़ता है वहाँ पर, वो NOC नहीं मिल पाया है और फाइल लटकी हुई है। फिर सरकार में हम रहे नहीं तो सरकार इन बातों पर ध्यान नहीं देती है, हमारे विधायक के पहल पर ध्यान नहीं देती है। मैं यह दोष नीतीश सरकार को भी देना चाहूँगी, व्यक्तिगत रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर अभी अपने पिछले 15 सालों के कार्यकाल में 50 बार से ज़्यादा भागलपुर आए, वो यहाँ रहते हैं, 2-2 दिन, 4-4 दिन यहाँ निवास करते हैं, लेकिन क्या उन्हें नहीं पता है कि यहाँ की जरूरत क्या है, यहाँ की समस्याएं क्या है? आप अगर मुख्यमंत्री हैं और आपको अगर ये पता नहीं है, आप साल में कम से कम 2-4 बार तो जरूर आ जाते हैं और आपको ये पता नहीं कि यहाँ मुख्य समस्याएं क्या है, क्या स्थिति है यहाँ, जाम की समस्या कैसी है, पुल पर लगातार जाम लगा रहता है। तो प्रशासन का उदासीन रवैया, और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन भी दोषी है। सिर्फ हम विधायक और सांसद के भरोसे ही नहीं रह सकते हैं किसी कार्य के लिए। अफसर का तानाशाही जो कहा जाता है वह भी इसके लिए जिम्मेवार है। वो लोग क्यों बैठे हैं, अगर विधायक और सांसद जिस काम को नहीं कर पाते हैं तो वो लोग क्यों बैठे हैं? नगर आयुक्त बैठे हुए हैं, DM साहब बैठे हुए हैं, SP साहब बैठे हुए हैं, DIG साहब, इन लोगों को भी तो अपने कार्य के हिसाब से इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। सर, जो अभी वर्तमान की जो समस्या है क्षेत्र में, अगर देखा जाए तो सबसे पहले NH80 जी, राष्ट्रीय राजमार्ग NH80, उसके बाद सर हवाई अड्डा, भोलानाथ पुल, जाम की समस्या, और सबसे बड़ी समस्या जो क्षेत्र में है, जो कि चर्चा में कहीं नहीं है, बरसों से गुम है, और हर बार हर साल जो है कोसी दियारा क्षेत्र के जो लोग हैं वो बाढ़ का दंश झेलते हैं, और वर्तमान में अभी भी कुछ दिन पहले वहाँ पर बाढ़ की ऐसी भयावह स्थिति रही है, लोग बांध पर रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन ये चर्चा से गायब है। लेकिन कहीं ना कहीं सर फेवर करेगा तो इस बार विधानसभा चुनाव में क्या यह सारे मुद्दे NDA के लिए मायने रखेगा, यानी यहाँ के जो प्रत्याशी होंगे NDA के? बिल्कुल मायने रखेगा, और मुझे बहुत दुख है कि मैंने भी जब से होश संभाला है तो यहाँ का बाढ़ और कटाव, ये दो मुद्दे इस कोसी क्षेत्र से लेकर के भागलपुर का जो दियारा क्षेत्र है, यहाँ के कई गांव, 40 से 50 गांव जलमग्न रहते हैं और कटाव में धीरे धीरे सारा उजड़ता जा रहा है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो समस्याएं हैं, क्या ये समस्याएं इस बार यहाँ के जो NDA के प्रत्याशी हैं उनके ऊपर ये प्रभाव डालेगा? मैं कह रहा हूँ, NDA की सरकार रही, नीतीश जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं अभी तक कोई परियोजना सफलतापूर्वक उन्होंने किया?
एक बांध नहीं बढ़िया से बना पाया जो कि अस्थायी रूप से उसको रोक सके, नहर का इन लोग नहर नहीं बना पाया, तो मेरा कहना है कि इन लोगों के पास विजन नहीं है, विजन नहीं है, प्लानिंग नहीं है, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और सरकार बनने पर कुर्सी पर बैठने के बाद सारे चीजों को दरकिनार करके बिल्कुल अपने शाही अंदाज में ये लोग रहते हैं। सर, जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। जो अभी जो चर्चा है सर, उससे हटके थोड़ा सा विधानसभा से निकल के हम लोकसभा में जाएंगे और छोटा सा सवाल होगा सर, क्या सांसद महोदय अजय मंडल के जो अभी तक के कार्यकाल रहे हैं लगभग 1.5 साल के, क्या ये 1.5 साल के कार्यकाल भी इस विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा? एनडीए के लिए मैं बात कर रहा हूँ सर। देखिए, मैं इस तरह समझता हूँ इसको कि माननीय सांसद श्री अजय मंडल जी तो 1.5 साल ही हुआ, उससे पहले सांसद रहे शहनवाज, ठीक है, किसी भी सांसद से पहले रहे माननीय गुलो मंडल जी, किसी भी सांसद ने, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये पिछले 30 साल से जो लोग भी सांसद रहे भागलपुर से, उन्होंने यहां के अनुरूप विकास कार्य बिल्कुल ही नहीं। बुलो मंडल सर आपके गठबंधन के ही नेता हैं। हमारे गठबंधन में है लेकिन हमारे पार्टी में नहीं थे, वह राजद के सांसद थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से उन पर आरोप सिर्फ उन पर नहीं लगा रहा हूं, शहनवाज जी कितनी बार सांसद रहे। यहीं पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो गंभीरता पूर्वक मेरी बात सुनिए, बगल में यहां से गुड्डा हमारे ही जिले के माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी, आप गुड्डा जाकर के देखिए कि वहां पर विकास कार्य किस तरह से होता है। वो बीजेपी से सांसद है, मैं कांग्रेस पार्टी हूं, लेकिन उनके कार्य को देखते हुए मैं उनके बारे में कह सकता हूं वो एक अच्छे सांसद हैं और वहां की जनता की भलाई के लिए उन्होंने कई बड़े बड़े कार्य किए हैं गुड्डा के सांसद के रूप में, और ये उनका तीसरा टर्म है। सर, निशिकांत दुबे अपने क्षेत्र में कार्य किए हैं, इस बात से मैं भी एग्री हूँ, सहमति जताता हूँ। निशिकांत दुबे के चुनाव प्रचार को लेकर लोकसभा चुनाव में लोग जो है अजय मंडल को वोट किए, निशिकांत दुबे खुद आए थे और उन्होंने यह कहा था कि अजय मेरा छोटा भाई है और भागलपुर से अजय नहीं मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और इस बार भी जो है निशिकांत दुबे इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर पिछले दिनों ही आए हुए थे और उन्होंने फिर से लोगों से यही अपील की कि जो है हमारी पार्टी को वोट दीजिए, विकास कार्य उनका जो सर क्षेत्र में विकास कार्य रहा है। और यहाँ पर देखा जाए 1.5 साल बीत गए हैं और अभी तक जो है अजय मंडल के द्वारा कोई विकास कार्य कहीं से कोई नजर नहीं आया, खास NH80 की जो दुर्दशा है वो दुर्दशा आज के डेट में इतनी बड़ी भयावह समस्या बन गई है कि NH80 से बसे नज़दीक बसे लोग और NH80 के आसपास जो गांव के ग्रामीण हैं लोग हैं उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है। तो मेरा यहाँ पर सवाल यह है सर कि अगर निशिकांत दुबे ने अपने क्षेत्र में काम करा है, अगर वो अपने क्षेत्र के लिए विकास पुरुष हैं, तो क्या यह चीजों को देखकर यहाँ की जनता अजय मंडल को वोट दिए थे कि शहर का विकास होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, निशिकांत जी के बारे में लोग कहते हैं कि वो गुड्डा के विकास पुरुष हैं, सच बात है, उन्होंने जितना काम किया है। तो ये सही बात है कि अगर वह आ करके उनका प्रचार करे और ये कह दे तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो उनका है, वो भागलपुर यही विक्रमशिला के रहने वाले हैं, कहलगांव के, ठीक है, तो उनका कुछ प्रभाव तो जरूर है। और बीजेपी और जदयू का गठबंधन रहा है तो, और हमारे जो पूर्व सांसद शैलेश कुमार गुलमंडल जी थे, तो कहीं ना कहीं जनता को उनसे निराशा हुआ तभी माननीय सांसद जी को, अजय मंडल जी को उन्होंने जिताया भागलपुर से। सर, आखिरी सवाल आपसे होगा और कम शब्दों में हम चाहेंगे आपसे जवाब कि इस बार का जो मुद्दा है भागलपुर का, ये मुद्दा रह जाएगा या तो फिर ये मुद्दे पर इस बार अमल भी किया जाएगा? नहीं, जो प्रत्याशी हैं या जो नेता सामने आ रहे हैं तो मुद्दा तो, जब अगर हमारी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी, अभी आज भी समाज में
तो कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं जिम्मेदारी के साथ कि इन सभी समस्याओं का समाधान होगा। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, पूर्व में माननीय भागवत झा आजाद, स्वर्गीय भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, और उन्हीं की देन है कि आपका विक्रमशिला सेतु, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, एनटीपीसी कहलगांव, ये तीन जो है मुख्य यहाँ का जो विकास है वो आपको दिखता है, वो उनकी देन है। कांग्रेस से वो मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस से सांसद थे, उसके बाद आज तक किसी ने यहाँ कोई उस तरह का इन लोगों की सोच नहीं है, विजन नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। फिर उसके बाद किन्होंने भी विकास कार्य में रुचि नहीं दिखाई। सर एक और छोटा सा आखिरी सवाल है, छोटा सा सवाल होगा, आपकी पार्टी कांग्रेस के यहाँ से अगर विधायक बनते हैं, जीतते हैं, तो क्या फिर से वही वादे और दावे होंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए जो यहाँ की समस्याएं हैं उस पर काम होगा, अभी भी काम हुआ है, आप जानकारी ले लीजिए, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है। लेकिन हमारा ये कहना है जब सरकार अगर बनती है हमारी पार्टी की तो बहुत बेहतर काम होगा। अब पुराना इतिहास देखिए, एक सवाल था कि युवाओं की जो भागीदारी है राजनीति में वो कितना अहम है सर, और खासकर अभी का परिदृश्य अगर देखा जाए तो काफ़ी युवा राजनीति में सक्रिय हैं, और आपके भी पार्टी में बहुत सारे युवा सक्रिय हैं, और खासकर नज़दीक में देखें तो कहलगांव विधानसभा से सदानंद सिंह, जो कि बरसों से कद्दावर नेता कहे जाते हैं अपने क्षेत्र के और कांग्रेस के, 53 साल की राजनीति में मात्र एक बार उनकी हार हुई है, और इस बार विधानसभा चुनाव में सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश जो है पिता की राजनीति विरासत को संभालने जा रहे हैं सर। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। माननीय सदानंद सिंह जी विधानसभा स्पीकर भी रहे, बहुत हम लोगों के राजनीति के विश्व पितामह हैं, भागलपुर के राजनीति के, और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं, बहुत सम्मानित नेता हैं हमारे पार्टी के। उन्होंने एक बदलाव करने की इच्छा जताई है और कोशिश भी की है, तो उनके पुत्र शुभानंद मुकेश जी हमारे कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं और युवा संगठन में पिछले लगभग 10 साल से सक्रिय राजनीति में हैं। तो उन्होंने एक समय को देखते हुए एक बदलाव करने की इच्छा जताई है, और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी पहल है, और मैं तो कहता हूँ कि सभी पार्टियों को यह विचार करना चाहिए कि जिस तरह से एक रिटायरमेंट की उम्र सीमा होती है, तो उसी तरह से सभी पार्टियों में युवाओं को आगे लाना चाहिए पार्टियों को, और नया मौका युवा सोच और युवा शक्ति को देना चाहिए सभी दलों के लिए, मैं ये कहता हूँ। बिल्कुल, तो हमारे साथ भागलपुर के जो है डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, और सह कांग्रेस के नेता हैं, बरसों से राजनीति में सक्रिय हैं, कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रहे हैं और वर्तमान में भी राजनीति में ये सक्रिय हैं। मेरी कोशिश थी प्रवीण कुमार झा से खासकर भागलपुर विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे आए हुए हैं उस मुद्दे को लेकर बातचीत करने की, और मैंने ये भी जानने का कोशिश करा कि इस बार के विधानसभा में जो मुद्दे हैं क्या इस पर जो है जीत के बाद प्रत्याशी यहाँ से कोई किसी भी दल के पार्टी अगर नेता जीतते हैं तो क्या उस पर वो अमल करेंगे, और वर्तमान के सभी मुद्दे NH-80, भोलानाथ पुल, हवाई जहाज, जाम की समस्या, और खासकर जो दियारा क्षेत्र में लोग बाढ़ से भयावह बाढ़ की चपेट में सालों आते हैं उनकी समस्या को लेकर मैंने अपनी बात रखा। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सुमित राज मौजूद हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।